सुष्मिता एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एज वी लव इट। आवाज़ एकदम कम कम आ रही है मेरी, बिकॉज आवाज़ निकल ही नहीं रही अंदर से। आज सेकेंड डे है वैक्सीनेशन का मेरा, मतलब संडे को लिया था, आज ट्यूजडे हो गया है। कल आपको बताया था, पूरा दिन मैंने बेड पे निकाला। आज सुबह से फीवरिश थोड़ा थोड़ा लग रहा है और प्लस जॉइंट पेन ज़बरदस्त हो रहा है, मतलब फिंगर्स में भी दर्द हो रहा है। सो बिफोर एनीथिंग हिट्स मी, मैंने सबसे पहले सुबह उठ के खाना बना लिया, ब्रेकफास्ट कुछ, और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है मुझे। कल तक खाने का मन कर रहा था पर आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। अभी 1 o'clock हो गया है, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम किया जो भी था और कुछ नहीं खाया सुबह से। 2-3 पीस वाटरमेलन के लिए होंगे क्योंकि मन ही नहीं कर रहा। अभी मैंने खाना बना लिया, मैंने बनाया है ट्रायंगल वाला पराठा और भिंडी और दाल। और आशीष ने डेफिनेटली हेल्प किया, आशीष की तबीयत बेटर है, ही इज़ फीलिंग मच बेटर। एंड मेरी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है बट ठीक है, देखते हैं। आई थिंक इट्स अ साइड इफेक्ट तो होता ही मेरे वैक्सीनेशन का, वही है। एंड ओ माई गॉड, माई आईब्रोज कितना ज़्यादा मेरा आईब्रोज वो लग रहा है। नहीं, मैं आईब्रोज बाहर से नहीं करती, खुद ही करती हूँ। मैं आपको आज, अगर आई थिंक ठीक लग ही जाएगा खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने आईब्रोज कैसे बनाती हूँ अपने आप घर पे। इजी वे है, मैं एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, सो मैं कर सकती हूँ। आप भी ट्राई करके देखिएगा, मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं करूँगी। वॉट इफ यू नो, एंड आई थिंक आई ऑल्सो फील गुड अबाउट माई सेल्फ थोड़ा सा कुछ करने के बाद। फूल अब तक लगाया नहीं है जो हम लोग पौधे लेके आए थे। वंस दोनों ही थोड़ा सा स्टेबल हो जाए फिर करते हैं, थोड़ा सा मेहनत का काम है। मेहनत एज इन, क्योंकि पूरा जो गार्डन एरिया है उस पर फर्टिलाइजर डालेंगे अपन, हम लोग, मैं और आशीष, तो अच्छे थोड़ा सा एक लेयर खोदेंगे फिर डालेंगे फर्टिलाइज़र, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ आने की वेट कर रहे हैं। और अभी चलिए आज का दिन शुरू करते हैं। गाइस, ये जो मेरा पानी था जिसमें मैंने सारे छिलके रखे थे ना, ये रेडी है, इसको मेरे पास रखा है। अब उसमें से छान लेती हूँ, ये मग गाय नॉर्मली फूलों का पानी नहीं यूज़ करती हूँ, तो उसको मैं छान लेती हूँ ऐसे। और ये सारा कचरा मैं फेंक देती हूँ, खैर ये तो ये है। इसको मैं रखती हूँ 24 आवर्स, आप चाहे तो ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, पर बहुत गंदी स्मेल आती है फिर, पर 24 आवर्स इज एनफ। सो जितना यहाँ पे ये पानी है, मैं उसके इक्विवेलेंट और साफ पानी डाल के इसको फुल एक मग बना लेती हूँ और फिर डाल देती हूँ पौधों में। तो इतने से पानी से तो होगा नहीं इतने सारे पौधों में, सो आई सिलेक्ट एवरी डे 2-2, 3-3 पौधे डाल देती हूँ, तो एक वीक में सारे मेरे पौधे कंप्लीट हो जाते हैं। सो दैट्स द फर्टिलाइजर वाटर, मैं जब डालूंगी तब दिखाती हूँ आपको। सो ये देखिए, मैंने उतना ही पानी और ऐड कर दिया, नॉर्मल पानी, और ये बिल्कुल अभी फर्टिलाइजर पानी बन गया है। अब चलिए डालते हैं इसको अपने पौधों में। मैं चप्पल रखी है बालकनी की, क्योंकि बालकनी में काफ़ी धूल उड़ता है, तो मैं घर का चप्पल बालकनी में नहीं पहनती। अब ऐसे मैं डाल दूंगी इस लेमन ग्रास पे। इस बारे में कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता मेरा बहुत ही सुंदर तरीके से आ गया, देखिए छुटकू सा कड़ी पत्ता है जिसको मैंने लिया था इसके भी। और ये नींबू का पेड़ है, इस पर डाल देते हैं, ये बढ़ रहा है। बस 3-4 पौधों में ही डलता है उतना पानी। थोड़ा सा स्मेल आती है पानी से, सो मैं इंडोर, अपने इंडोर वाले प्लांट्स पे नहीं डालती ये पानी। ये देखिए मेरे हिबिस्कस का फूल भी आ गए यहाँ पे, अब तक चेंज नहीं किया हमने, करेंगे 2-3 दिन में जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तब। तो ये रहा मेरा लंच जो रेडी है, पराठा ट्रायंगल वाला, सैलड थोड़ा बहुत काट लिया था और रायता बना लिया था। दिस इज़ भिंडी, भिंडी की सब्जी, एंड दिस इज़ दाल, सिंपल दाल। फटाक से खाना खा लेती हूँ, मैं तो रेडी हूँ खाना खाने के लिए, आशीष इज़ टेकिंग अ बाथ, उसके बाद हम खाना खा लेंगे एंड देन देखते हैं फिर और क्या करते हैं। थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, दोपहर को सोऊंगी, नहीं भी सोई तो लेटूंगी पक्का से। और हाँ बस इतना ही।
तो गाइस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ खुद अपने आप कैसे आईब्रोज हम परफेक्टली कर सकते हैं घर में। विल रिक्वायर थ्री थिंग्स, एक है सीजर, प्लकर एंड वन कॉम। सो सबसे पहले प्लीज डोंट गो ऑन माई फेस, फेस में एकदम क्वालिटी डेटोरिएट हो गई है बिकॉज मैं एंटीबायोटिक ले रही थी जिसकी वजह से पिंपल्स आ रहे हीट की वजह से। सो मैं ऐसे करके ना अपने आईब्रोज को थोड़ा सा कॉम कर रही हूँ। ये देखिए लंबा लंबा मैंने कर दिया इसको, ठीक है। वन साइड डू दिस, मैं इसको ऐसे कट लगा दूंगी। मेरे वैसे भी बहुत हैवी आईब्रोज नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं, ये बताने मैंने लास्ट कब किया था। यहाँ पे पिंपल भी है जिसको मुझे बहुत केयरफुली हैंडल करना है, और एक यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद पहले प्लकर लेके मैं जो नीचे के बाल है ना, नीचे पे जो थोड़े बहुत हेयर आ रहे हैं उसको मैं क्लीन कर दूंगी। एक पिंचिंग वाला दर्द होगा बस उतना ही। ये देखिए नीचे का पूरा प्रॉपरली क्लीन हो गया है, इफ यू कैन सी। थोड़ा सा यहाँ पे एक दो बाल और रह रहे हैं, प्रॉपरली क्लीन। देखिए देयर आर नो स्मॉल स्मॉल है ना। अभी हम एग्जैक्टली इस तरीके से ऊपर भी करेंगे। बहुत लोग शेव भी करते हैं अपना फेस, मतलब यहाँ पे इस तरफ। आई एम नॉट कम्फर्टेबल शेविंग माई फेस। आई स्टार्टेड शेविंग माई अंडर आर्म्स बचपन में, मतलब जब मैं छोटी थी तब, वेन वी स्टार्ट एंड इट टर्न आउट टू बी क्वाइट टफ। और जब मैंने स्विच किया बैक्स पे फ्रॉम शेविंग, आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन एंड ब्लड, लिटरली ब्लड निकलता था बिकॉज इतना टफ बन गया था हेयर। सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ शेविंग, बट इफ़ यू आर कम्फर्टेबल और आपके स्किन टाइप को सूट करता है, यू कैन डेफिनेटली शेव ऑफ, बट आई डोंट प्रेफर शेविंग। मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मेरे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है, सो यू नो इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट फॉर वुमेन हु हैज़ अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ ऑन देयर फेस। लकीली आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि इतना हेयर ग्रोथ नहीं है, सो प्लकर से मेरा काम चल जाता है। अगर आपका बहुत हैवी भी हेयर ग्रोथ है एंड इफ़ यू डू दिस बाई योर सेल्फ एवरी 3-4 डेज, यू कैन मेंटेन योर परफेक्ट आईब्रोज। हियर आई एम डन, यू कैन सी द डिफरेंस गाइस, यहाँ पे और यहाँ पे इट इज डिफाइंड प्रॉपरली, ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पे है। सो इसी तरीके से मैं टर्न कर ले, सो इसी तरीके से मैं दिस इज डन यू नो एंड आई एम गोइंग टू डू हियर एंड ऑल्सो अपर लिप्स भी मैं प्लकर से निकालने वाली हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद प्लकर। सो मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ और आपको मैं फाइनल लुक दिखाऊंगी। सो वंस यू डन विद दिस, आई एम डन विद बोथ माई आईब्रोज एंड माई अपर लिप्स। रेड रेड हो जाता है मेरा, बहुत तो होता है। दिस इज गुलाब जल, नॉर्मल गुलाब जल, मैं हल्का सा ऐसे लेके उसको लगा लूँगी जिससे बहुत रिलीफ मिलता है। उसको आप ऐसे ऐसे मसाज भी कर सकते हैं हल्के हाथों से। आईज के पास वाला एरिया में आप कुछ भी करें, यूज़ वेरी वेरी सॉफ्ट हैंड्स, एकदम हल्के हल्के हाथ से। After this, I also use one more thing, which is aloe vera gel.
आप किसी भी कंपनी के एलोवेरा जेल ले सकते हैं। आई एम यूजिंग जो मेरे पास है अभी, थोड़ा सा हाथ में निकाल लेते हैं पहले। थोड़ा सा हाथ में निकाल लिया मैंने, अब उसको हल्के हाथ से यहाँ अप्लाई करेंगे। मुझे बहुत देर तक ये जो रेडनेस है बहुत देर तक रहती है मेरे आईब्रोज में, मेरे स्किन पे एक्चुअली। मैंने बहुत बड़े होने के बाद आईब्रोज करना शुरू किया व्हेन आई वाज इन माय डिग्री। उसके पहले मैं नहीं करती थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तभी बहुत कम थे एक्चुअली। ये आईब्रोज करने के बाद थोड़ा बहुत आने लगा, पहले तो थे ही नहीं मेरे आईब्रोज में बाल। तो बस हल्का हल्का मैंने लगा लिया। मसाज करना है आप मसाज भी कर सकते हैं। मसाज कर सकते हैं अच्छे से। एंड हियर गाइस, हियर इट इज। खुद क्लीन करना अपने आईब्रोज बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आसान काम है और आप खुद घर में कर सकते हैं। तो आप प्लीज ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे बताइएगा कि आपको आसानी हुई, मुश्किल हुई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। सो गाइस, इट्स एंड ऑफ द डे और अब बस पूरा दिन ज़्यादा कुछ किया नहीं इंटरेस्टिंग, तो मैंने शूट भी नहीं किया इसलिए कि क्या मैं मतलब कुछ नहीं किया, पड़ी थी बस। और अभी आई एम फीलिंग मच बेटर एंड आशीष इज ऑल्सो फीलिंग मच बेटर। आई कैन फील माई एनर्जी कमिंग बैक। अभी भी वीकनेस है बट मच मच बेटर। अभी बस सोने वाली हूँ, बेड को ठीक करूँगी एंड देन सो जाएंगे। और ज़्यादा आपको पकाती नहीं हूँ और आज के लिए इतना ही। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ डू दैट। इट गिव्स लॉड्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट एंड बहुत अच्छा लगता है अगर एक कोई सब्सक्राइब करता है, कोई वीडियो देखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं आपसे फिर मिलती हूँ कल। और आप अपना ख्याल रखिए, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज। बाय बाय।